सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के शुक्रवार को नवसर्जित ब्यावर दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। कार्यक्रम स्थल एसडी कॉलेज परिसर में अस्थायी हेलीपैड तथा कार्यक्रम स्थल को तैयार करने में गुरुवार को दिन भर प्रशासनिक अमले के अधिकारियों की आवाजाही बनी रही। अस्थायी हेलीपैड को तैयार करने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। इस दौरान एसडी कॉलेज परिसर में उगी झाड़ियों को हटवाकर उसे साफ सुथरा बनाया गया है और सीएम गहलोत के हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए अस्थायी हेलीपैड तैयार करवाया जा रहा है। गुरुवार को जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह चौधरी, एडीएम मृदुल सिंह, सार्वजनिक निर्माण विभाग के एसएस सलूजा तथा नगर परिषद के अधिकारियों ने एसडी कॉलेज परिसर में चल रहे कामकाज का मौका निरीक्षण किया। अधिकारियों ने वहां काम कर रहे मजदूरों तथा व्यवस्था में लगे विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सीएम के ब्यावर आगमन की सूचना के बाद बुधवार शाम से ही जिला का पूरा अमला तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी सीएम के ब्यावर पहुंचने, एसडी कॉलेज परिसर में उतरने तथा वहां से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने आदि की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। उधर सीएम गहलोत के ब्यावर आगमन को लेकर कांग्रेसजन भी उनकी अगुवानी तथा स्वागत में जुटे रहे। कांग्रेसजनों की ओर से शुक्रवार को सीएम गहलोत के जिला बनाने के बाद पहली बार ब्यावर आगमन पर भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही है। मालूम हो कि सीएम गहलोत शुक्रवार को प्रदेश के नवसर्जित जिले ब्यावर तथा दूदू के दौरे पर हैं। दूदू में आयोजित कार्यक्रम में शरीक होने के बाद सीएम गहलोत ब्यावर पहुंचेंगे। ब्यावर में गहलोत एसडी कॉलेज परिसर में बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरने के बाद कॉलेज परिसर में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी जिला स्तरीय ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिताओं के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे।